नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम ग्रे स्किन क्लिनिक। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन पोर्स के बारे में। लार्ज पोर्स, ओपन पोर्स, रॉन्ग छिद्र, ये एक आमतौर पे देखे जाने वाली समस्या है। यूजुअली जो बटरफ्लाई एरिया होता है फेस का, उसमें ज़्यादा ओपन पोर्स देखने मिलते हैं। ओपन पोर्स ये है क्या एग्जैक्टली? बेसिकली हमारी त्वचा पे हाथ के ये फ्रंट पोर्शन, पाम्स और सोल्स, इसको छोड़ के त्वचा के हर हिस्से में छोटे छोटे बाल होते हैं, रोएं जिनको बोलते हैं, विलस हेयर। ये रोएं जिस ओपनिंग से स्किन पे खुलते हैं वो रोम छिद्र होते हैं, उसी में ऑयल के सिक्रेशंस होते हैं और पसीने के सिक्रेशंस भी उसी छिद्रों में आते हैं। जब ये किसी भी कारणवश फैल जाते हैं या ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, तब हम इनको कहते हैं ओपन पोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। डॉट डॉट जैसा अपियरेंस एक फेस पे दिखने लगता है इनका। रोम छिद्र कैसे होते हैं, मतलब इसका बेसिस क्या है? बेसिकली तीन मेन फैक्टर्स हैं। या तो ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा ऑयल बनने से क्या होता है, वो ऑयल जो है वो ओपनिंग के पोर्शन में जमा हो जाता है और ज़्यादा होने की वजह से वो फैला देता है पोर को, ओपनिंग जो होती है उसको फैला देता है और वो डॉट जैसा दिखता है। सेकेंड एक रीज़न हो सकता है डेड स्किन के वजह से ब्लॉक हो जाना पोर्स का। तो जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं डेड स्किन के वजह से, तो जो भी सिक्रीशन है वो बाहर नहीं निकल पाती है और इसकी वजह से उसके नीचे का जस्ट सरफेस जो है वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। ये जो पहले और दूसरे बेसिस है, ये यंग उम्र में यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि इसी लॉजिक के हिसाब से पिंपल्स डेवलप होते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बनते हैं जो बाद में पिंपल्स के रूप लेते हैं। और जो डेड स्किन से ब्लॉक होने की बात है, वो ओल्ड एज में भी होता है, क्योंकि ओल्ड एज में यूजुअली डेड स्किन हमारी इतनी इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाती है अपने आप। एक और रीज़न जो है जिससे ओपन पोर्स बनते हैं, वो है त्वचा का ढीला होना। जब इलास्टिक और कोलेजन टिश्यू जो होता है त्वचा का, वो अच्छी तरह नहीं वर्क करता है, वो जब ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो क्या होता है, पोर्स को टाइटली बाउंड करके वो नहीं रख पाता है, तो पोर्स की वॉल्स कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, ढीली पड़ जाती है, जिसके वजह से पोर्स बड़े लगते हैं, लार्ज लगते हैं, खुले हुए लगते हैं, डॉट जैसे दिखाई देने लगते हैं। अब ओपन पोर्स किस तरह बनते हैं, उस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि किन में ज़्यादा देखने मिलेंगे या क्या कारण हो सकते हैं ओपन पोर्स के। कारण यूजुअली जेनेटिक, मतलब वारसागत जो कहते हैं, मतलब आपकी जीन्स में, बॉडी की बनावट में ही होता है कि आपको ओपन पोर्स ज़्यादा होंगे। डाइट का फर्क पड़ता है, क्योंकि डाइट के बेसिस पे आपकी ऑयल सिक्रीशन बढ़ सकती है, एंड्रोजन जैसे इफेक्ट्स आ सकते हैं जिससे पोर्स लार्ज हो सकते हैं और वो ब्लॉक हो सकते हैं। इसी तरह डाइट हमारी पिंपल्स की कैपेसिटी भी मतलब पिंपल्स की संभावना भी बढ़ाती है, उसी तरह वो पोर्स भी बढ़ा सकती है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूजुअली जब मेंसेस आने वाले होते हैं, मासिक धर्म आने वाला होता है या जब चल रहा होता है, तब हमारे पोर्स थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। इसके सिवा स्मोकिंग से, सन डैमेज से, उम्र के हिसाब से भी पोर्स ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही वजह से यूजुअली जो हमारा इलास्टिक और कोलेजन टिश्यू है वो डैमेज होता है, त्वचा ढीली होती है और पोर्स नेचुरली ज़्यादा दिखते हैं। कोई भी फैक्टर जो आपकी एजिंग को बढ़ाता है, जैसे स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल, इनअप्रोप्रिएट डाइट, नींद पूरी ना करना, थकान ज़्यादा रहना, ये भी ओपन पोर्स को बढ़ा सकता है। और जो भी रीजंस पिंपल को बढ़ाते हैं, पिंपल की टेंडेंसी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ज़्यादा डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट लेना, ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट्स लेना, मतलब जिसमें कार्ब ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, इन तरह के प्रोडक्ट्स लेना, एंड्रोजन्स या स्टीरॉइड्स लेना, इनसे भी पोर्स बढ़ सकते हैं। आप पोर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे कम से कम हो सकते हैं पोर्स? हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लेंजिंग,
टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सन प्रोटेक्शन, जिससे कि पोर्स कम से कम दिखे। क्लेंजिंग हमेशा अच्छी तरह करने से जो पोर्स हैं वो अगर क्लॉग हैं, बंद हैं, तो वो खुल सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं, उनसे काफ़ी हद तक पोर्स खुल जाते हैं और वो अच्छे रहते हैं आपके ओपन पोर्स के लिए या लार्ज पोर्स के लिए। क्लेंजर सोप फ्री ही यूज़ करें और 2 बार से ज़्यादा फेस को ना क्लेंजर से धोएं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा धोएंगे तो पोर्स बंद हो जाएंगे। कभी भी न्यूट्रल पीएच का ही क्लेंजर यूज़ करें और सोप फ्री यूज़ करें, और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब ना करें। यूजुअली हमें लगता है स्क्रब से ऑयलीनेस कम होगी, लेकिन अगर हम बहुत स्क्रब करके ड्राई कर देते हैं स्किन को, तो रिबाउंड में स्किन और ज़्यादा ऑयल बनाएगी। दूसरी बात, स्क्रब करने से इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, जिसके वजह से ओपन पोर्स एक्चुअली बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हमें मॉइस्चराइज करना है लेकिन लाइट मॉइस्चराइजर से। अगर टोनर की ज़रूरत है तो हम क्लेंजिंग करने के बाद पहले टोनर लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइज करेंगे। टोनर से यूजुअली पोर्स में एक टाइटनेस आती है, वो एक हद तक नैरो हो जाते हैं, लूजनेस जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। टोनर भी आप हमेशा न्यूट्रल पीएच का यूज़ करें। रोज़ वाटर एक अच्छा टोनर की तरह यूज़ किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ द स्किन को वो सूट करता है। मॉइस्चराइज लाइट मॉइस्चराइजर से करें, जेल बेस्ड या सीरम बेस्ड या लोशन बेस्ड। हैवी क्रीमी ऑयली मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज ना करें, क्योंकि वो पोर्स को बंद कर देंगे। मेकअप जब भी यूज़ करते हैं, हमेशा वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करें, कम से कम मेकअप यूज़ करें, मेकअप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, मेकअप हमेशा क्लीन कर दें। मेकअप क्लीन ना करने से पोर्स बंद हो जाएंगे और हमें ओपन पोर्स की समस्या बढ़ सकती है। सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन के वजह से इलास्टिक कोलेजन टिश्यू डैमेज होता है, जिससे ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं, और हमारी स्किन में डैमेज की वजह से, अनइवन पिगमेंटेशन की वजह से ओपन पोर्स की अपीयरेंस और ज़्यादा बुरी दिखती है। तो सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें, हमेशा वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन बेटर रहता है। ऑयली लोशन क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन अवॉइड करें। जब भी मेकअप करते हैं, रात को मेकअप क्लीन करके ही सोएं और मॉइस्चराइज करके स्किन को रेस्ट दें। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और नाइट क्रीम भी दे सकते हैं। कुछ नाइट क्रीम्स होती हैं जेल, सीरम या क्रीम बेस्ड, जिनमें यूजुअली रेटिनॉल होता है या पेप्टाइड बेस हो सकती हैं, जो कि ओपन पोर्स की अपेयरेंस में इंप्रूवमेंट ला सकती हैं, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को देखते हुए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिससे ओपन पोर्स की अपेयरेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है, जैसे कि केमिकल पीलिंग, माइक्रोडर्म अब्रेशन, माइक्रो नीडलिंग, आरएफ टाइटनिंग, निडल आरएफ या हाइफू। ये सब टेक्निक से टाइटनिंग के वजह से या पिंपल्स कम होने के वजह से या रोम छिद्र खुल जाने के वजह से, इन सब बेसिस पे ये वर्क करते हैं, जिससे कि वजह से ओपन पोर्स की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है, रोम छिद्र खुले हुए इतने डॉट डॉट जैसे नहीं दिखाई देते हैं। ओपन पोर्स के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। Stay tuned.